गठबंधन. गठबंधन हमेशा लूटने टाइप की पार्टीज करती हैं और गठबंधन की सरकार हमेशा लोगों का फायदा नहीं सोच पाएगी, क्योंकि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी उसकी है आधी इसकी. दोनों बटोरेंगे दोनों हाथों से, पेट भरने के बाद जितना एक्स्ट्रा कर सकते हैं करेंगे और फिर बयान दे देंगे कि जनता चाहेगी तो आ जाएंगे, नहीं तो तान के सोएंगे. फिर ऐसे बयान इसीलिए आते हैं, आए ना ऐसे बयान लिखित में, तो क्योंकि उनको चिंता ही नहीं है. ये गठबंधन कभी फायदेमंद नहीं होता. इसलिए ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी की वैल्यू तब आती है जब दो ताकतवर पार्टी, एक तो बन जाए सत्ताधारी और दूसरी बन जाए विपक्ष. सत्ता में तो चालबाजी से बना जा सकता है, पर दिक्कत यह है कि विपक्ष चालबाजी से नहीं बनता. विपक्ष को अपनी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है. कितने की कितने सीटें मिले इसको? 1/10. किस में से 1/10? जितनी सीटें हैं. जैसे अगर लोकसभा है तो सीटें कितनी है? 543. इसका 1/10 कितना होगा? 54.3. तो 0.3 आदमी तो तुम कहां से लाओगे? 55 मान लो. 55 सीटें अगर मिली तो विपक्षी बनेंगे. विपक्षी क्या होते हैं? जो तुम्हें और मुझे अपने हक के प्रति, हम लोग अपनी बात अगर रखें तो उसको वो सुनते हैं. सरकार नहीं सुनती इतनी आसानी से. अभी का मुद्दा देखो, हरियाणा सरकार में सारी विपक्ष एकजुट हो गई कि भैया हमें बच्चों के लिए कौन सा पेपर? सीईटी. तो तुम्हें क्या लगता है सीईटी से इनको सच में लगाव है? इनको जानना है सीईटी? नहीं, इनको पता है कि सारा युवा सीईटी के खिलाफ है, तो वो इसको अपने एक तरह का हथकंडे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हारी बात जा तो रही है, तुम चीखते रहो, कोई नहीं सुनने वाला. जैसे किसी को लगता हो कि इंडिया में बड़ा आसान है न्याय मिलना, कोई आसान नहीं है बेटा. तुम कितनी रैलियां निकालो, कुछ करो, फर्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ दबाव बनता है ताकत का. जिसके पीछे बड़ी ताकत होगी ना, तो फिर उन्हें लगता है कि यार इनकी बात सुननी चाहिए. जैसे ICS ने करनाल में प्रोटेस्ट किया. करनाल में कितनी बड़ी भीड़ थी, कितनी बड़ी भीड़, क्योंकि ICS की सारी ब्रांचेस के, बहुत सारी तो फिर भी रह गई थी, बहुत बच्चे पहुंचे. उतनी भीड़ को देख के फिर सरकार को थोड़ा लगता है कि यार इस पे हम विचार करें, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे एंटी हो गए. यानी सरकार डरती है जब कोई काम भीड़, और भीड़ अगर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे तो फिर सरकार को नियम बदलने पड़ते हैं. किसानों की भी भीड़ थी लेकिन वो ऑर्गेनाइज थी, वो अपनी बात पे अड़े रहे तो अड़े रहे. अब जैसे मैं आज पढ़ रही थी, ये जो क्लर्क है, क्लर्क इस पे गए हुए ना हड़ताल पे, पता होगा, ये कह रहे हैं हमारा पे स्केल बढ़ा दो, बहुत कम है, हमारा इतने घर में गुजर बसर नहीं होती. तो आज का बयान था कि अगर ये लोग नो वर्क नो पे ऐसे करके आया हुआ था. जैसे गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप सैलरी को लेकर निश्चिंत रहते हैं. बहुत सारे लोगों ने PLI ले रखी होगी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. कुछ लोगों ने गाड़ी निकलवा रखी होगी, बाइक ले रखी होगी. इनकी किस्तें कटती हैं हर महीने. सैलरी आई अकाउंट में, अपने आप किस्तें कट जाती हैं. वो फ्री है मेंटली, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस्त भरने में मुझे दिक्कत नहीं आनी. लेकिन अगर नो वर्क नो पे वाला काम हो गया तो फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब में ये किस्त कटेंगी कहां से? जैसे कोई एक महीना चला लेगा, कितने महीने कोई बैठेगा? सबको पता है सरकार को कि बहुत लंबे टाइम तक बिना पे के लोग नहीं रहेंगे और वापस लौट जाएंगे. ये इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये आदमी को मजबूर करती हैं कि भैया अगर हम काम नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, कुछ किसी का बैकग्राउंड अमीर होगा, उसके घर में चल जाएगा काम. लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जिसका एक कमरे का घर था, जिसकी छत टपकती थी, वो पढ़ लिख के लड़का क्लर्क लग गया, और अब उसके घर में उसने बेचारे ने थोड़ा घर को पक्का करवा दूं, या घर में एक बाइक ले लूं, अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन ले लूं, ये किश्तों पे ले लिए होंगे. उसको हर महीने किश्त भरनी पड़ती है. अब वो कितने दिन तक बैठा रहेगा? वो तो फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, ये भीड़ छटने लगेगी. अंग्रेज भी तो यही चाल चलते थे. अंग्रेज जब हम लोग कहते ना असहयोग, कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तो कहते ठीक है मत करो, एक साल तक हम भी देखेंगे तुम कैसे बैठ के खाओगे. तो एक महीना दो महीना गांधी जी की बातें सब सुनते, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको लगता है यार बच्चे भूखे बैठे हैं घर पे, मेरी बुजुर्ग माँ को खाना नहीं मिला, तो मैं यहाँ देशभक्ति करके क्या करूँगा, पहले उनका पेट तो भरूँ. धीरे धीरे लोग अपने काम पे वापस जाने लगते. इसीलिए हमारे आंदोलन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए. और अब जो ये तरीका है ना कि नो वर्क नो पे, इसमें तो फंस जाएंगे. ये एक महीने दो महीने के बाद सैलरी तो चाहिए ना सबको, क्योंकि सबके घर में कोई अमीर आदमी नहीं होता सरकारी नौकरी पे. तुम देखना अगर ये वाली बात उठी तो फिर इनको वापस जाना पड़ेगा. ये लगभग महीना भर हो गया इनको इस पे बैठे हुए कि हमारी सैलरी बढ़ा दो. लेकिन अगर ये चीज जो आज पढ़ी है अगर ये वायरल हो गई और सरकार इस तरह के ऑर्डर दे देती है तो फिर इनको जाना पड़ेगा. ऐसी कंडीशन में कौन काम आते हैं?
हाँ, तब कौन खड़ा होता है हमारे साथ? विपक्षी। प्रॉब्लम सदा रहेंगी बच्चों, ऐसा नहीं है कि तुम किसी की सरकार आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीएसपी आए, आम आदमी पार्टी, परेशानी हमेशा रहेंगी। एक मजबूत ताकतवर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये भी ताकतवर होने चाहिए, और सरकार को ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने जनता का भला नहीं किया तो जनता किसको ले आएगी? विपक्षियों को। और अगर विपक्षी आ गए तो मेरा अपने आप पत्ता साफ हो जाएगा। ये डर जब तक नहीं होगा ना, तब तक सत्ताधारी कभी काम नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों की भी जरूरत है कि एक दमदार विपक्ष हम बना के अपनी सरकार को दें। हमारी दिक्कत क्या है, 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए तब भी कोई विपक्षी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को 47 सीटें मिली। सीटें कम से कम कितनी मिलनी चाहिए? 54.3, तो कितनी मान लें? 55। अब मोदी जी आए तो उस टाइम पे कांग्रेस को मिली 47, नहीं बने विपक्षी। 2019 में कांग्रेस थोड़ा सा आगे बढ़ी पर 52 पे अटक गई, तब भी कोई विपक्षी नहीं था। अब तुम्हारे 9 साल बीत गए, विपक्ष अपना रोल प्ले नहीं कर पाया। अगर ये दमदार होते तो फिर बहुत सारी पॉलिसी ना बनती ऐसी जो जनता नहीं चाहती थी, क्योंकि जनता की बात हक की हमेशा कौन करता है? विपक्ष। अच्छा, एक दिक्कत क्या है, इस विपक्ष को सत्ता में ले आओ, फिर आते ही ये भी चोर हो जाता है, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी, हम तो देख रहे हैं। जब तक ये विपक्षी हैं ये आपके हक की बात करेंगे, जैसे ही ये सत्ता में जाएंगे ये अपनी जेबें भरने में लगेंगे, और ये सोचेंगे 5 साल हैं, मैक्सिमम इतना तो खा ही लें कि भैया अपना जो अगली पुश्ते हैं बैठ के खाएं, कि उनको अगर कोई काम धंधा ना भी करना पड़े तो उनको भूखे ना मरना पड़े। इतनी ज़मीनें, इतने कामकाज, इतने किराए के काम, इतने दुनिया भर के, जैसे तुम और हम लोग क्या हैं, हम कमाते हैं और खर्च करते हैं। तुम्हारे और हमारे घरों में हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारी पुश्ते बैठ के खाएं, हर किसी को कमा के खाना पड़ता है। हम नॉर्मल लोगों के परिवारों में इनका क्या होता है, अगर 2-4 पीढ़ी बैठी भी रहेंगी तो इनका कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि इनके घर में दादा सीएम थे, पिताजी भी अच्छी पोस्ट पे लंबे टाइम तक एमएलए रह गए, पोता फिर एमएलए बन गया। अब चाहे कोई काबिलियत ना हो, लेकिन दादा ने इतना ज़रूर जोड़ रखा होगा, चाहे किसी भी स्टेट का हो, कि आगे इसके पोते की भी पूछते बैठ के खा लें, और जब ये इस पोस्ट पे हैं तो ये भी खाने की तो पोस्ट है बढ़िया वाली, इनमें से कोई फिर मंत्री बन गया तो फिर उसकी। इसीलिए बेटा ये कभी गरीब नहीं होते, इसलिए इनके देखो पुश्तों पे पूछते हैं, पुश्तों पे पूछते हैं। अरे पेंशन तो बहुत छोटी चीज है, ये तो इतने बड़े बड़े काम धंधे कर देते हैं कि तुम सोच भी ना पाओ। ये कारण है, ये प्रॉब्लम है कि इनके साथ सारा पैसा इस तरीके से निकल जाता है। चलो हम वापस आते हैं कानून।